आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। बांदीकुई रेलवे स्टेशन फाटक पर अंडरपास बनने की वजह से गुड़ा रोड पर रहा दिन भर जाम। आम जनता हो रही परेशान। गुड़ा फाटक पर कई बार तो लगा रहता है घंटों तक जाम। बांदीकुई की मुख्य समस्या बना गुड़ा फाटक। कई बार तो लोग यहां घंटों जाम में फंस जाते हैं। साथ ही दीपावली के चलते बाजार आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जाम के चलते स्थानीय निवासियों का जीना हुआ बेहाल। वहीं अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो दीपावली के त्योहार पर आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन 2-3 यातायात पुलिस कर्मी यहां नियमित लगवा दे और रोड के बीच बैरिकेडिंग करवा दे, क्योंकि अधिकतर वाहन चालक आड़े तिरछे फंसा कर खड़े हो जाते हैं, जिससे दूसरी साइड से निकलने वाले वाहनों को जगह नहीं मिल पाती है और इस वजह से यहाँ लंबा जाम लग जाता है। हमारे रेलवे कॉलोनी में रेलवे हॉस्पिटल के पास गेट पर अंडरपास बन रहा है, जो अंडरपास को बनते हुए काफी दिन हो गए। बीच में ये काम बंद भी हो गया था, कुछ बारिश वगैरह की वजह से कुछ दिनों काम बंद रहा। ये काम बंद होने की वजह से गुढ़ा रोड पे जो फाटक है उस पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव है, और ज्यादा दबाव होने की वजह से वहां दिन भर जाम लगा रहता है। इस रोड पे ज्यादातर मैक्सिमम स्कूलें हैं, तो बाजार से और इधर गुढ़ा रोड से जाने वाले बच्चे, स्कूल के बच्चे काफी लेट हो जाते हैं, उनको वो जाम में फंस जाते हैं, टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। पुलिस प्रशासन की मदद से, कुछ आम लोगों की मदद से वो जाम खुल पाता है। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि उस जगह पर 1-2 ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा लगाए जाए, जिससे जाम की स्थिति कम से कम हो। अब आता हूं मैं अंडरपास पे। रेलवे कॉलोनी में जो रेलवे हॉस्पिटल के पास अंडरपास बन रहा है, उसका काम अब काफी तीव्र गति से चल रहा है, और मैं ये आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो, जिससे बांदीकुई में जो जाम की समस्या है इसका समाधान हो सके। लोगों को रेलवे स्टेशन और गुढ़ा रोड की तरफ आने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। जैसे सिकंदर रोड वालों को 1 नंबर प्लेटफार्म पे आना होता है, तो काफी घूम के प्लेटफार्म नंबर 6 पे आते हैं, उसके बाद ओवर ब्रिज या रेल लाइन कूद के प्लेटफार्म नंबर 1 पे आते हैं, इससे भी काफी परेशानी होगी। इसलिए मेरा रेलवे प्रशासन से यह अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू करके उसका अंडरब्रिज को काम को पूरा करे, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। वैसे मैंने आज वहां विजिट किया था, जाके देखा था, लगभग काम हो चुका है वहाँ। उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा ये काम है। वाटर हार्वेस्टिंग होगी, उसमें 9x10 मीटर का कुआ और 18.5 इंच का 350 मीटर गहरा वाटर हार्वेस्टिंग बन रहा है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग।